रायबरेली शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल एक तेज रफ्तार सफारी कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जूस के लगे ठेले को टक्कर मारते हुए बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति की और मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 4 हो गई। यहाँ कहीं एक्सीडेंट हुआ है डिग्री का चौराहे के आसपास, जिसमें 6 लोग लाए गए हैं, 3 मृत अवस्था में हैं और 3 को गंभीर चोटें लगी, उनको यहाँ प्राथमिक इलाज करके भर्ती किया गया है। और जो 3 लोगों को चोटें लगी हैं उनके नाम है विनय कुमार वर्मा 25 साल, विनोद 36 साल और शिवम साहू 21 साल, ये 3 मृत अवस्था में लाए गए हैं। किसी को लखनऊ भी रिफर किया गया है क्या? लखनऊ किसी को अभी नहीं रिफर किया है, यहाँ से प्राथमिक इलाज करके अंदर भर्ती किया गया है। सर यहाँ पे आधे घंटे तक डेड बॉडी पड़ी थी, और जब बॉडी उठाई गई तो उसे घसीटा गया था, पूरी बॉडियाँ घसीटी गई थी। कहाँ पे? यही उतारते समय। अब उतारते समय कौन क्या किया, हम तो अंदर इलाज कर रहे थे मरीज का, हम बाहर नहीं देख पाए क्या हो रहा था। हमारा फ्लाई ओवर उधर से आ रहा था, जिसमें जूस की दुकान रहने साइड में, वहाँ जैसे टकराई, वहाँ पर जो जूस विक्रेता था वो उसका जो सहायक था और 2 लोग अन्य की मृत्यु हुई है तथा अन्य लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज जारी है, एक को रेफर किया गया है, आगे जो भी उपयोगी स्वागत किया गया। सर टोटल कितने लोगों की मौत हुई? अभी तक 4 लोगों की डेथ हुई है।